मैं भाई आपका नाम श्याम गाड़गे सर। जी क्या कहेंगे भाई साहब आप? मैं यही कहूंगा सर, उसको मार के, बंदे को मार के फेंका गया है, उसके सर पे कम से कम 6 इंच का घाव है, 1.5 इंच गहरा। जी तो ऐसा लग रहा है उसको देख के कि मार के फेंका ही गया है। जी तो आप क्या मांग करते हैं सर? मैं तो प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, उसको पता लगे किसने मार के फेंका है उसको, बस यही चाहता हूँ सर मैं। भैया आपका क्या नाम है? सुनील। जी सुनील भैया क्या कहेंगे आप? बस यही चाहेंगे कि प्रशासन से कि इसकी जांच हो। जी अपने को कुछ उसमें ऐसा लगता है कि भाई लगता है क्या? वो लगी रहा है ना उसके सर में कि चोट बहुत गहरी है। जी हाँ, और उसको मारा ही हुआ है लोगों ने। जी बस इसकी जांच हो जाए, बस यही चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा के मेडिकल कॉलेज स्थित पोस्टमार्टम रूम के पास मौजूद हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के थाना पदम नगर के अंतर्गत बावड़िया और डिग्रीस मार्ग के पास एक जल स्रोत के पास सुबह एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसे थाना पदम नगर पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को खंडवा के पोस्टमार्टम रूम लाया गया था। उक्त मृतक की तस्दीक और जांच के लिए पुलिस मौके पर पहुंची थी और मृतक के संबंध में जो तस्दीक के बाद परिवार की जो जानकारी मिली तो परिवार के लोगों को सूचना दी गई और यहाँ पोस्टमार्टम रूम के पास उनके परिवार के लोग और उनके गांव के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो हम गांव के लोगों से और परिवार के लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। तो खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम परिवार के लोगों से बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? रोकम। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? बावड़ा का जी। जी ये भैया जो शांत तो हुए हैं, हाँ। ये भी वहीं के रहने वाले? वहीं के भाई का लड़का है। उनका क्या नाम है और कितने? राहुल है। जी तो भैया ये क्या करते थे? ये बस पे चलता था। बस पे चलते? हाँ। तो जैसे ये मामले की जानकारी आपको मिली तो अब अपना क्या कहना पड़ता है, क्या लगता है आपको? अपना कहना ये पड़ते थे भाई, अपना भाई का लड़का है, हम तो काम धंधे पे गए थे। जी हमको खबर चल ली कि भाई बुलाया हमको कि भाई पहचानो कौन है, हमने जाके पहचाना कि भाई अपना लड़का है। जी फिर उसके बाद आप यहाँ पर पहुंचे? हाँ ठीक है। हाँ। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? शुभम। शुभम भाई क्या कहेंगे आप? आपका क्या कहना है? कहना है जांच करें। जी इसकी जांच होना चाहिए। हाँ, इसकी जांच होना चाहिए। ठीक है भैया आपका क्या नाम है? नाम सुनील यादव है। जी ग्राम गजवाड़ा रहता हूँ। जी एक तरीके से मेरा भतीजा लगता है वो। जी तो मुझे भैया ने वहाँ से बावड़ा काजी से फोन लगाया। जी यार राहुल का ऐसा हो गया। जी तो बस तुरंत डायरेक्ट मैं यहाँ आया, एम्बुलेंस लेके यहाँ पहुँच गई थी उनको। अच्छा तो अपना क्या कहना? अपना कहना वही है कि उसके साथ में कुछ घटित घटना घटी है। जी तो पुलिस प्रशासन से निवेदन है अपना कि जांच सही तरीके से करके उसका जी पता लगाया जाए कि भाई क्या हुआ है। हाँ क्या हुआ सही तरीके से। जी ठीक है। मैं भाई आपका नाम श्याम गाड़गे सर। जी क्या कहेंगे भाई साहब आप? मैं यही कहूंगा सर, उसको मार के, बंदे को मार के फेंका गया है, उसके सर पे कम से कम 6 इंच का घाव है, 1.5 इंच गहरा। जी तो ऐसा लग रहा है उसको देख के कि मार के फेंका ही गया है। जी तो आप क्या मांग करते हैं सर? मैं तो प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, उसको पता लगे किसने मार के फेंका है उसको, बस यही चाहता हूँ सर मैं। भैया आपका क्या नाम है? सुनील। जी सुनील भैया क्या कहेंगे आप? बस यही चाहेंगे कि प्रशासन से कि इसकी जांच हो। जी अपने को कुछ उसमें ऐसा लगता है कि भाई लगता है क्या? वो लगी रहा है ना उसके सर में कि चोट बहुत गहरी है। जी हाँ, और उसको मारा ही हुआ है लोगों ने। जी बस इसकी जांच हो जाए, बस यही चाहते हैं। और यहाँ पर लोग मौजूद हैं परिवार के, हम एक दो लोगों से। दादा क्या नाम है आपका भैया? सर मेरा नाम राजकुमार है। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो दुर्घटना हुई है हमारे भाई के साथ में, जी तो सर जी उसकी अच्छे से जानकारी लिया जाए। जी और जो भी इसमें कुछ निकले तो कार्रवाई होने चाहिए। बरोबर सर जी। जी ठीक है। तो आपने देखा कि हमारी परिवार के लोगों से बात हो चुकी है। परिवार के लोगों का ये कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और इस मामले में किसी तरह का कोई दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जनता से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।